हरे कृष्णा। लोगों में आजकल एक बहुत ही प्रचलन चल रहा है कि हमेशा हमने सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अच्छी बात है, सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक कभी कभी क्या हो जाता है, एक नियम प्रचलित हो रहा है जिसे लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं केवल कुछ सोचता रहूं तो वो मैं बन जाऊंगा। किसी चीज़ के बारे में मैं बहुत अधिक सोचूं, सोचता रहूं तो उस चीज़ को मैं अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूं और वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाएगी या मैं कुछ बन जाऊंगा। कुछ हद तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सही है, लेकिन परिपूर्ण मात्रा में सही नहीं है। हम लोग भगवद्गीता के आधार पर, जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं, भगवद्गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है। कई सारी संकल्पनाओं को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, और यदि हम लोग आज भी उन संकल्पनाओं को समझें और हमारे जीवन में उसका पालन करने का भी प्रयास करें तो हमारा जीवन सही में सफल और परिपूर्ण बन सकता है। तो यदि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी चर्चा करें तो गीता में एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने इस लॉ का इस्तेमाल या प्रयोग किया है। भगवद्गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में यदि कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करता है तो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। तो एक दृष्टिकोण से ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हो गया। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि जो अंतिम में शरीर को त्याग करते समय जो विचार होते हैं उस हिसाब से नया शरीर हमें मिलता है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने 6वें श्लोक में भी दोहराया है एक जनरलाइज प्रिंसिपल कहते हुए, यम यम वापि स्मरण भावान त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में कोई व्यक्ति स्मरण करते हुए अपना देह त्याग कर लेता है, उस भाव की या उस प्रकार से मिलने वाले शरीर की वह व्यक्ति अगले जन्म में प्राप्ति कर लेता है। तो ये तो हो गया देह त्याग करते समय, लेकिन जीवन जीते समय जो हम लोगों को जो कई बार गलत आशाओं में बांध के रखते हैं और उसे कई सारी परेशानियां भी हमें भुगतनी पड़ती हैं। यदि कोई रास्ते का चलता भिखारी है और हम उसे कहें कि तू केवल सपना देखते रहे पंतप्रधान बनने का और तू एक दिन पंतप्रधान बन जाएगा, तो ये तो केवल सपना देखने से होने वाला नहीं है, हर कोई जानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि किसी भी कार्य को या किसी भी इवेंट, किसी भी गतिविधि को सफल बनाने में 5 अलग अलग जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो योगदान देते हैं सफलता में। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस श्लोक में कि सफलता के लिए ये 5 घटकों का ठीक से होना आवश्यक है। सबसे पहला मुद्दा वो बताते हैं अधिष्ठान। जो भी कार्य है वो कहाँ पर हो रहा है, अधिष्ठान का अर्थ है प्लेस, कौन सी जगह हो रहा है वो है अधिष्ठान। दूसरा मुद्दा है अधिष्ठानम तथा कर्ता, कौन कर रहा है वह कार्य, यह है दूसरा मुद्दा करणम। तीसरा मुद्दा है प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किए गए या कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए गए संसाधन इंस्ट्रूमेंट्स, यह है तीसरा मुद्दा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और कार्य करने के लिए किए गए विविध प्रयास, ये हो गया चौथा मुद्दा। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये 5वें मुद्दे को भूल जाता है। दैवम चैवात्र पंचमम, वो है दैव, कि ये दैव जो है वो 5वां घटक कार्य करने में हमें सफलता दिलाने में सहायता करता है। तो कोई कहे कि क्या हमें केवल दैव के ऊपर ही निर्धारित रहना चाहिए हमारी सफलता के लिए, या हम जो कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर निर्धारित होना चाहिए सफलता के लिए? तो ये जो मुद्दा, जो 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है गीता का, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने दोनों मुद्दों के बारे में बताया गया है कि दैव भी है और पृथक चेष्टा, हमारे कर्म भी है, हमारे प्रयास भी है। उदाहरण से यदि हमें समझना है तो कोई कल्पना कीजिए, किसान है और किसान ने इस साल खेती में बहुत अच्छे से हल जोता है, बहुत अच्छे से बीज लाए हुए हैं और उसने बहुत अच्छे से खेती की है, तो उसने कर्म तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन
दैव के अनुसार यदि उस साल बारिश नहीं हो जाती है तो उस किसान को फसल नहीं मिलेगी। तो केवल कर्मवाद नहीं चलेगा, मैं कर्म कर रहा हूँ इसलिए मुझे सफलता मिल रही है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। और कोई यदि कहे केवल दैव के ऊपर मैं आश्रित रहूँ, कर्म नहीं करूँ, यदि वही किसान अगले साल उसे पता है कि बारिश नहीं होने वाली है तो वो बीज भी अच्छे गुणवत्ता के नहीं लाता है, खेती भी ठीक से नहीं करता है, हल भी नहीं जोतता है, और उस साल यदि बहुत अच्छी बारिश हो जाती है तो भी फसल नहीं आएगी। तो केवल हम लोग हमारे कर्म के ऊपर आश्रित रहे तो भी फसल नहीं आएगी, और केवल दैव के ऊपर आश्रित रहे तो भी फसल नहीं आएगी। तो हमें जो बीज भी अच्छे चाहिए, खेती भी अच्छी करनी चाहिए, हमारे प्रयास भी अच्छे होने चाहिए और दैव भी अनुकूल होना चाहिए। यहाँ पर तो हमने जो बताया दैव, वो तो प्राकृतिक नियम के अनुसार बताया बारिश, लेकिन हमारा जो दैव होता है वो हमने ही पिछले कर्मों के द्वारा लिखा हुआ होता है और वही अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। हमें पता नहीं होता है वो कैसे भी आएगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो कर्म करना, वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यदि हमारे जीवन में सफल होना है तो ये जो पांच मुद्दे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, इन सबको अनुकूल करते हुए हम हमारी ओर से श्रेष्ठतम प्रयास कर सकते हैं और उसके बाद दैव के ऊपर आश्रित रह सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कोई लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जब उन्हें परिणाम नहीं प्राप्त होता तो वो लोग नकारात्मक बन जाते हैं, वो निराशावादी बन जाते हैं, और कभी कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं, इतने निराशा में चले जाते हैं। तो हमें न तो आशावादी बहुत ज़्यादा बनना है न तो निराशावादी बनना है, हमें बनना है यथार्थवादी। यथार्थवादी का अर्थ होता है अ बैलेंस, जो दोनों का बैलेंस बनाए रखे, आशावाद और निराशावाद, यह है यथार्थवाद। तो भगवान श्री कृष्ण जो सूत्र बता रहे हैं अर्जुन को, वो आज के जीवन में हमें भी लागू होता है। हम लोग यथार्थवादी बने यानी रियलिस्ट बने, नीदर ऑप्टिमिस्ट नॉर पेसिमिस्ट, न आशावादी है न निराशावादी है, हम लोग बनते हैं यथार्थवादी। और यदि इस सूत्र का हम लोग पालन करें तो जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का हम लोग सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।